नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आज विपक्षी पार्टियों ने संसद तक साइकिल मार्च निकाला। संसद में सरकार को पेगासस मामले पर घेरने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कुल 14 विपक्षी दल शामिल हुए थे। बैठक की अगुवाई राहुल गांधी ने की। भारत की पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गई। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली इस टीम के पास 41 साल बाद ओलंपिक में इतिहास रचने का मौका था। टीम इंडिया के पास गोल्ड मेडल की रेस में बने रहने का चांस था, लेकिन सेमीफाइनल में बेल्जियम के खिलाफ 2-5 की हार ने इस सपने को तोड़ दिया। टीम इंडिया को ये हार बहुत वर्षों तक चुभेगी। वो मैच के 49वें मिनट तक वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम को कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन आखिरी के 11 मिनट ही टीम इंडिया पर भारी पड़े और यहीं से एक सपने का अंत हो गया। कुछ समय से भारत समेत दुनिया भर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। वहीं अंडमान निकोबार में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके प्रमुख मॉडलों की कीमत में 3 अगस्त से औसतन 0.8% तक की बढ़त की गई है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसके न्यू फॉरएवर मॉडल के जिन कारों की बुकिंग 31 अगस्त तक या उससे पहले हुई होगी, उन पर इन बढ़त का असर नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में आज सुबह इंडियन आर्मी सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। रंजीत सागर डैम की झील में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना पर मौके पर बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने विधायकों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी का फैसला लिया है। नए फैसले के मुताबिक अब दिल्ली के एक विधायक को प्रतिमाह 90,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें सैलरी और भत्ता सभी शामिल होंगे। दिल्ली कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली कैबिनेट के मुताबिक अब विधायक की प्रतिमाह सैलरी 30,000 रुपए होगी। पहले ये 12,000 रुपए तक थी, वहीं वेतन भत्ता मिलाकर ये सैलरी 90,000 रुपए हो जाएगी, जो अभी तक सिर्फ 54,000 रुपए थी। मध्य प्रदेश में अब अवैध शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सूबे की शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा। पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ऐसी ही एक घटना का वीडियो सामने आया है, जहां रेणुका जी में पहाड़ दरक गया और लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। अभिनेता अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा द राइस की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। मेकर्स ने बताया कि इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट क्रिसमस 2021 में रिलीज किया जाएगा, सेकंड पार्ट 2022 में रिलीज किए जाने की उम्मीद की जा रही है। इस फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें आइकन स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना और फहद फासिल नजर आएंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।